दोस्तों नमस्कार। YouTube के अद्भुत जड़ी बूटी के अन चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज जिस जड़ी बूटी पौधे के बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह कड़वी होती है लेकिन पेट के सभी रोगों को दूर करने में अद्भुत गुणकारी है। यह लीवर आंतों सभी को शुद्ध सबल सक्रिय बनाती है और मल पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देती है, रोगों को दूर करती है। एक विद्वान महान पुरुष का कहना है कि यह बूटी विष पदार्थ आम व उसके दोषों का पाचन व निवारण करने की शक्ति से लबालब भरी हुई है। अतः यह इंसुलिन उत्पादक ग्रंथियों को उत्तेजित करके मधुमेह रोग का भी नाश कर सकती है। वैसे भी यह शोध का विषय है। इस प्रकार यह औषधि जड़ी नायाब गुणों से भरी हुई है। दोस्तों इसे कुटकी, तिक्ता, कटु रोहिणी, रोहिणी, चक्रांगी, कृष्ण मेदा, सतपरवा आदि कहकर पुकारा गया है। दोस्तों हिंदी में इसे कुटकी, मराठी में कटुकी, बाल कड़ू, तेलुगु व तमिल में कडुग रोहिणी, लैटिन में, अंग्रेजी में पिक्रोराइजा कहकर पुकारा जाता है। दोस्तों इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो कुटकी बूटी का उत्पत्ति जो है स्थान हिमालय के कश्मीर से लेकर सिक्किम तक है, जो 7000 से 15000 फुट की ऊंचाई तक खूब पैदा होती है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कुमायूं, पौड़ी गढ़वाल आदि क्षेत्रों में बहुत उगती है। यही नहीं यह बूटी यूरोपीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। दोस्तों कुटकी के पौधे छुप जाति के होते हैं जो बहुवर्षीय रोमयुक्त होते हैं। इसका तना कठोर 6 से लेकर 10-12 इंच लंबा, कर्णिका उंगली जैसा मोटा होता है। इसके पत्र जो है 2 से 4 इंच लंबे, मूलीय, सुआकार, गोलाग्र, दंतुर यानी दांतों युक्त होते हैं। दोस्तों पुष्प ध्वज जो होता है वह ऊपर की ओर उठा हुआ कठोर सख्त पत्रों से बड़ा कोण पुष्पकों से युक्त होता है। इसकी पुष्पमंजरी 2 से 4 इंच लंबी व घनी सघन होती है, जिस पर सफ़ेद, नीले, बैंगनी अनेक फूल लगे रहते हैं। इसके पुष्प जून जुलाई माह में लगते हैं। दोस्तों इसके फल अगस्त माह में लगते हैं। इसके फल अंडाकार जौ के जैसे दिखते हैं। कुटकी के टुकड़े बाजार में मिलते हैं। यह बहुत कड़वी व गंधयुक्त होती है। दोस्तों कुटकी के भेदों की बात करें तो प्राचीन विद्वानों ने कुटकी के 2 भेद बताए हैं, जिनमें एक असली कुटकी जिसका औषधियों में प्रयोग किया जाता है तथा एक विषैली यानी नकली कुटकी होती है। वैसे विद्वानों का कहना है कि नकली कुटकी जिसे खबरक यानी हेलीबोर कहते हैं और असली कुटकी जिसे पिक्रोराइजा कहते हैं, वह दोनों अलग अलग बूटियां हैं। सच तो यह है कि असली कुटकी ही कुटकी है, इसमें कोई भ्रम नहीं विद्वानों के द्वारा माना गया है। और कुटकी केवल एक ही है, लेकिन अन्य मिलते जुलते पौधों को भ्रम व लालचवश मिलाया जाता है। तो जांच परख कर असली कुटकी ही ले, क्योंकि अन्य मिलावटी पदार्थ हानिकारक होते हैं। विद्वानों ने उत्पत्ति स्थान, देश काल, वातावरण का भी औषधियों के गुणों व स्वभाव पर होने वाले असर का वर्णन किया है, क्योंकि इनका औषधीय जो है औषधियों पर प्रभाव निश्चित ही होता है। विद्वानों, ऋषि महात्माओं ने अथक प्रयासों से ज्ञात किया कि जो कुटकी हिमालय पर्वत पर 10,000 फुट की ऊंचाई पर होती है वह गुणों प्रभावों में श्रेष्ठ हृदयोत्तेजक गुणों से भरी होती है। बाजारों में मिलने वाली कुटकी 8,000 फुट की ऊंचाई वाली होती है, अतः उसमें हृदय उत्तेजक गुण नहीं होते हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ जानकारी हेतु नकली कुटकी के विषय में थोड़ा बताना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कुछ ग्रंथों, शास्त्रों में भी विद्वानों ने कुछ भ्रम की परिस्थिति अनुभव की है। दोस्तों नकली कुटकी को जिसे विषैली कुटकी, सफ़ेद काली कुटकी, देसी कुटकी, हेलीबोर, ब्लैक हेलीबोर, व्हाइट हेलीबोर कहा गया है, फारसी में इसे ही खबरक कहा गया है। यह पौधा विषैला होता है। इसका विषैला प्रभाव जो है जग जाहिर है। यूरोपीय लोग इसके विषैलेपन से
प्राचीन काल से ही परिचित रहे हैं, क्योंकि यह पौधा हेलिबोर नाइजर यूरोप का आदिवासी पौधा बताया जाता है। इसके तने व जड़ को विषैले प्रभाव के कारण हेलिबोर कहकर पुकारा जाता है। हेली यानी जानलेवा, बोर यानी आहार, अर्थात जानलेवा बूटी कहकर इसको पुकारा जाता है। इसके पौधे के फूल वत्सनाव विषैले पौधे के पुष्पों जैसे ही खूब लुभावने होते हैं। दोस्तों, विद्वानों ने इसे नकली कुटकी, हानिकारक कुटकी कहा है। वैसे भी यह वास्तविक कुटकी नहीं है, यह विषैले हानिकारक जो है प्रभाव वाली मिलती जुलती बूटी है, जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला पौधा है। अतः जांच परख कर असली कुटकी का, जो हितकारी कुटकी है जिसको औषधियों में प्रयोग किया जाता है, का चयन करना, उसको ही लेना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, विशेष बात यह है कि असली कुटकी पिक्रोराइजा विषैली नहीं होती है, इसे ही औषधियों में प्रयोग किया जाता है। कुटकी के गुण धर्मों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में हम इसका जिक्र करेंगे। दोस्तों, कुटकी की संपूर्ण जानकारी के लिए, उसका पहचान करने के लिए, उसके गुण धर्मों के जानने के लिए और उसके स्वास्थ्य प्रयोगों को जानने के लिए, निषेध विशेष की जानकारी के लिए तीनों भागों को जानना आवश्यक है। तो दोस्तों, तीनों भागों को देखें और कुटकी के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।